सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करिए हम कि एलिमेंट्स फ्रॉम एनीथिंग, ये चीज क्या होती है और हमने लेनी कभी है, ठीक है? एलिमेंट्स फ्रॉम का मतलब क्या, पहले तो आप ये समझो। एलिमेंट्स फ्रॉम का मतलब ये है कि कोई चीज तो ऐसी हुई, चाहे इंसल्ट, चाहे रूडनेस, चाहे वॉट एवर, डिसअपॉइंटमेंट इन लव, वॉट एवर, कुछ तो बात हुआ, दैट इंसिडेंट हैपेंड, एंड आफ्टर दैट उसकी कंप्लेंट्स स्टार्ट हुए, दैट थिंग, दैट इंस्टेंस, दैट कॉन्फ्लिक्ट जो भी हुआ, दैट वॉज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ongoing complaints, या जो भी उस स्टार्ट हुआ है कंप्लेंट, वो उस चीज के बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है? सो दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू कैन टेक एलिमेंट्स फ्रॉम फॉर दैट पर्टिकुलर केस। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ है, एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक है, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट है, ठीक है? ये हमने तभी लेने हैं जब भी वो चीज हुई, वो कुछ हुआ, एक्साइटमेंट हुई उसको, या शेमफुल इवेंट हुई, या कोई ग्रीफ हुआ, और उसके बाद से ये उसके कंप्लेंट्स शुरू हो गए, दैट इज व्हेन यू हैव टू टेक एलिमेंट्स फ्रॉम, ठीक है? इट इज नॉट ऐसे नहीं कि उसका कंप्लेंट पहले से ही चल रहा था और ये उसके बाद हुआ, या ये उसके जो उसके कंप्लेंट्स है उसके 5 साल पहले ये चीज हुई और 5 साल बाद उसके कंप्लेंट स्टार्ट हुए, देन दिस इज नॉट एलिमेंट्स फ्रॉम। बाकी सारी चीजें हर एक के लाइफ में कभी ना कभी तो होती ही होती है, ठीक है ना? इंसल्ट होता ही होता है, एम्बैरेसमेंट, हम लोग को कभी ना, मैं बचपन में एम्बैरेसमेंट में फील हुआ और अभी जाके कंप्लेंट स्टार्ट हुए, ऐसा नहीं है, देन यू कैन नॉट टेक एलिमेंट्स फ्रॉम सो एंड सो, ठीक है? या वो चीज, उस वो इंसान उस चीज को सेंसिटिव है तो हमने एलिमेंट्स फ्रॉम ले लेना है, ऐसा नहीं है। सेंसिटिविटी इज अ डिफरेंट थिंग। फिर आप वो रूब्रिक्स में देखो कि सेंसिटिव टू व्हाटएवर क्रिटिसिज्म है, या सेंसिटिव टू रूडनेस है, फिर वो सेंसिटिविटी में आएगा, ठीक है? बट वो सेंसिटिविटी जब भी कोई चीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ और उसके बाद उसके कंप्लेंट्स शुरू हुए हैं, तो हमने जाके वो एलिमेंट्स फ्रॉम लेना, ठीक है? सो यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ ग्रुप जहां पे ईगो, प्राइड, सेल्फ एस्टीम जैसी चीजें जो हमारे अंदर होती है, वी आर बोर्न विद सर्टेन थिंग्स, आइदर वी आर बोर्न विद इट और वी डेवलप इन लेटर ऑन इन आवर लाइफ, पर वो चीज एक है, एक ईगो का ही पार्ट है, ठीक है? वो जब भी हमारी डिस्टर्ब होती है, या वहां पे जब भी दैट थिंग इज अफेक्टेड, ओके, व्हेन योर ईगो इज अफेक्टेड, व्हेन योर प्राइड, योर ऑनर, ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ योर्स, व्हेन दीज एलिमेंट्स स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड, दिस इज द टाइम जब ये रूब्रिक्स आपके सामने आते हैं या ये पिक्चर में आते हैं। कोई के ऐसा केस आया आपके पास जब जिसके कंप्लेंट्स, चाहे जो भी है, वो उस इंसिडेंस के बाद शुरू हुए, जब भी उसका ईगो, प्राइड या एस्टीम हर्ट हुए है या ऑनर हर्ट हुआ है, ठीक है? इसके बाद हमने उस टाइम आपने ये रूब्रिक्स लेने हैं, ठीक है?